डग्गामार बस आए दिन हादसों का शिकार हो रही है और परिवहन विभाग आंख मूंद कर देख रहा है। ताजा मामला बस्ती का है, जहां एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस चालक की लापरवाही के चलते डिवाइडर से टकरा गई। हादसा थाना नगर क्षेत्र के फुटिया चौकी क्षेत्र में हुआ, जहां मुंबई से आ रही बस डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में बस में सवार 12 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मामले की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। बस सवार यात्री ने ड्राइवर के नशे में होने का आरोप लगाया। यात्री ने बताया कि ड्राइवर नशा करते आ रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। तो ड्राइवर नशे में गाड़ी चला रहा। नशे में था ड्राइवर। हाँ। नशा उतर उतर के जहाँ बस खड़ा करता था गाजा पीता था, वो पुलते ले जाके उधर साइड में ठोक दिया, बस पलटी हो गया साहब। कितने लोग घायल हुए लगभग साहब? अभी तो यहाँ 8-10 लोग हैं। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही एएसपी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि बच्ची की हालत नाजुक होने पर उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। आज सुबह लगभग 5:30 बजे इस बात की एक सूचना मिली कि एक बस अनियंत्रित होकर करके नगर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर पलट गई है। इस सूचना पर मेरे द्वारा स्वयं COCT और आवश्यक पुलिस बल के साथ मौके पर जा करके वहाँ सारी व्यवस्थाओं को देखा गया और बस जो है पुणे से सिद्धार्थ नगर इटवा जा रही थी और जिसमें लगभग 70 व्यक्ति सवार थे। नेशनल हाईवे के माध्यम से क्रेन को बुला करके और एम्बुलेंस को बुला करके सारी व्यवस्थाएं कराई गई और रोड का जो आवागमन जो है उसको ठीक करा दिया गया है और इसमें कुल जो 12 व्यक्ति घायल थे उनको प्राथमिक उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया था, जिसमें से एक लड़की जो 6 वर्ष की सूफिया, उसकी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, जिसको उचित इलाज है तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। शेष जो 11 इंजर्ड थे उनको प्राथमिक उपचार के बाद उनके घरों को वापस भेज दिया गया है और इसमें जो दोषी ड्राइवर और बस मालिक के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच में जुट गई है और जाँच के बाद बस चालक सहित गाड़ी मालिक के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बस्ती से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।